हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक, आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल टैग विद एमजी। तो दोस्तों मान लो ये है OnePlus 6T और यह है Poco F1। तो इन दोनों फोन को बिल्कुल ऐसे ही सेम अपन बिठाने वाले हैं, इनकी पूरी कंपैरिजन, पूरी स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेंज में कौन सा फोन आप सभी के लिए वर्थ करता है और क्या फोन वर्थ नहीं करता, तो पूरी इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर। पहले अपन बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो डिजाइनिंग के मामले में मुझे OnePlus 6T काफी ज्यादा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू Poco F1, क्योंकि जो OnePlus 6T है उसका जो बैक पैनल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा शाइनिंग है। क्योंकि जो Poco F1 का जो डिजाइनिंग है, जो पीछे बैक पैनल है वो बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट से, जो कि काफी एक तरीके से प्लास्टिक ही है। तो OnePlus 6T काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो Poco F1 उसके अंदर एक बड़ी नॉच दी गई है आगे की तरफ, और जो OnePlus 6T उसके अंदर वाटर ड्रॉप लाइक नॉच दी गई है, जो कि फोन को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो डिजाइनिंग के मामले में तो मेरा सजेशन है कि OnePlus 6T काफी ज्यादा बेहतर फोन है। अब आप मुझे राय जरूर बताना कमेंट में कि आपको कौन सा अच्छा लगा डिजाइनिंग के मामले में। सेकंड फैक्टर है अपना कैमरा। तो दोनों के अंदर आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, और जो कि OnePlus 6T है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 16+20 मेगापिक्सल के साथ, और अपना Poco F1 है उसमें आपको देखने को मिलता है सिर्फ 12+5 मेगापिक्सल कैमरा। फ्रंट कैमरा जो कि Poco F1 में काफी ज्यादा अच्छा है वो आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल, OnePlus 6T के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। तो ओवरली कैमरे के मामले में जीता मेरे हिसाब से OnePlus 6T, ठीक है। Poco F1 में जो फ्रंट कैमरा है वो काफी ज्यादा बहुत अच्छा है, उसके अंदर 20 मेगापिक्सल और उसके अंदर सिर्फ 16 मेगापिक्सल है, मगर फिर भी आप क्वालिटी फोटो तो इससे भी ले पाओगे। कैमरे के मामले में मेरे हिसाब से तो OnePlus 6T काफी ज्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू Poco F1। मगर आपको एक बात और आपको मैं बता दूं, तो OnePlus 6T के अंदर आपको ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिलता है, यानी आगे भी फ्लैश, पीछे भी फ्लैश, फ्लैशी फ्लैश, फ्लैश फ्लैश। और दोनों ही फोन में आपको एक काफी ज्यादा अच्छी बात मिलती है, दोनों ही फोन में USB टाइप सी पोर्ट है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं, तो Poco F1 उसके अंदर आपको पीछे कैमरे के जस्ट नीचे आपको उसके अंदर देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब OnePlus 6T के अंदर आपको इन बिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि इतनी ज्यादा अच्छी बात है। तो नई टेक्नोलॉजी को OnePlus 6T ने इस्तेमाल किया और इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर दिया गया। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, दोनों के अंदर सिमिलर प्रोसेसर है, वो है Snapdragon 845, मतलब आपको प्रोसेसिंग के मामले सिमिलर आपको देखने को मिलेगा इसमें OnePlus 6T और Poco F1 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है सभी के लिए, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा। तो बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो OnePlus 6T में आपको देखने को मिलती है सिर्फ 3700mAh की बैटरी, और जो Poco F1 उसके अंदर आपको देखने को मिलती है 4000mAh की बैटरी। तो इसमें Poco F1 ने बाजी मार ली है, तो OnePlus 6T ने भी बाजी मार ली, क्योंकि इसमें OnePlus 6T ने फास्ट चार्जिंग भी दिया है। Poco F1 में भी फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलता है अप टू 40 वॉट, इसमें भी आपको OnePlus 6T ने भी फास्ट चार्जिंग दिया है, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। अब थोड़ी हीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि Poco F1 ने बाजी यहाँ पे मारी है, क्योंकि जो Poco F1 है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है लिक्विड कूलिंग टेक्निक, यानी कि अगर आपका फोन हीट भी होता है तो इतना ज्यादा हीट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड कूलिंग टेक्निक लगी है, उसके कारण आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो इसमें Poco F1 ने काफी ज्यादा बाजी मार ली है। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, जो Poco F1 है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 6.18 इंच फुल HD+ डिस्प्ले, और जो वो अपना OnePlus 6T उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 6.41 इंच डिस्प्ले, यानी कि वो Poco F1 से काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और काफी ज्यादा अच्छा फोन होने वाला है, होने वाला ही नहीं है ही OnePlus 6T डिस्प्ले के मामले में तो काफी ज्यादा अच्छा फोन है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो आपको पकड़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी और काफी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव रहेगा OnePlus 6T एज कम्पेयर टू Poco F1। अब आता है सबसे ज्यादा बड़ा मेन फैक्टर इंडिया के लिए, सबसे ज्यादा मेन फैक्टर वो है प्राइसिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता ही है कि जो Poco F1 उसकी प्राइसिंग बहुत कम है, क्योंकि Poco F1 का जो लीस्ट वेरिएंट है वो आता है 20999, यानी 21000 के आसपास का, 21000 का ही आपको लोएस्ट वेरिएंट देखने को मिलता है Poco F1 का। और जो OnePlus 6T है उसका आपको लोअर वेरिएंट देखने को मिलता है 37000 का, यानी कि 16000 का डिफरेंस। तो दोस्तों अब कौन सा फोन लेना चाहिए, इस पे आ जाती है घड़ी कि कौन सा फोन ले। तो दोस्तों अगर आपके पास बजट है आपका वही 15-20-25-30 हजार रुपए के आसपास, 25000 तक आपका बजट है, तो आप ऑब्वियस Poco F1 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप ले ही लोगे। अगर आपका बजट ज्यादा है, आप बोलोगे हाँ मैं तो भाई OnePlus का फैन हूं, बजट भी ज्यादा है मुझे तो OnePlus नहीं है, कुछ ज्यादा है, तो आपको कौन रोक सकता है, ऑब्वियस आप OnePlus 6T की और जाइए, 37 का है, क्योंकि इसमें फीचर्स भी बहुत ज्यादा है कैमरे के मामले में और चीजों के इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है और चीजों के मामले में, तो OnePlus 6 आगे ही है Poco F1 से बिल्ड क्वालिटी में, वाटर ड्रॉप लाइक नैच, अट्रैक्टिव लुक, इतनी सब कुछ आपको सब कुछ मिल रहा है OnePlus 6T में। तो ऑब्वियस OnePlus 6T चूज करिए बजट के हिसाब से Poco F1, बजट की कोई दिक्कत नहीं तो OnePlus 6T। मेरे आपसे ओवरऑल तो OnePlus 6T काफी ज्यादा अच्छा फोन है Poco F1 से, मगर बजट के मामले में तो Poco F1 है ही। तो दोस्तों ये था कुछ छोटा बड़ा मोटा
अच्छा कंपैरिजन वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव क्या पसंद आई होगी और वन प्लस सिक्स तो पसंद ही आया होगा आपको। तो बस इस वीडियो को बड़ा सा एक लाइक देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपने मेरी वन प्लस सिक्स टी की पूरी स्पेसिफिकेशन वीडियो नहीं देख रखी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। अच्छी लगे तो लाइक कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अभी तक, क्योंकि अब आपको ही मुझे आगे तक पहुंचाना है कि अब मैं आपको असली में वन प्लस सिक्स की यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके दिखाऊं। तो बस चैनल को सपोर्ट करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।